Hey guys, assalamu alaikum. This is Ravia Mughni. You're watching me on Fuchsia Magazine and I am back with my top 5 dramas of the week. Kya haal chaal hai? I hope aap sab log theek thaak hain. Aur main bhi bilkul theek thaak hoon, ab Allah ka shukr hai. Sorry, hamare office mein thoda sa kaam ho raha hai, to shayad aapko kuch awaazein sunai dein background mein choti moti, to please bear with it. पिछले हफ्ता मैं टॉप 5 नहीं निकाल सकी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी. एंड शुक्रिया बहुत बहुत उन तमाम लोगों का जिन्होंने कमेंट्स में, डीएम में, सब में मैसेज किया, पूछा और दुआएं दी. आप सबकी दुआओं से और आप सबकी अच्छी ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने कबूल की हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पता नहीं मैंने क्या बोला था, क्या बोली. ओके, टॉप 5. ओ गॉड, ओके, इस बार टॉप 5 बड़ा मुश्किल था क्योंकि ड्रामे बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं. कॉम्पिटिशन बहुत बहुत स्ट्रांग है. मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी, आज लाइक यार क्या करूँ. मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा था, सोच समझ के आपको टॉप 5 चूज करने पड़ रहे थे. पिछली बार मैंने दिल ना उम्मीद तो नहीं को निकाला था और बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट में किया कि ये बात फेयर नहीं है. देखिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं बहुत अच्छा ड्रामा है, लव इट, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज एंड इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब. लेकिन हम हर हफ्ते हर ड्रामे को हर एपिसोड की बेस पे करते हैं, ठीक है. अगर किसी हफ्ते एपिसोड स्लो है या इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही मुझे एज कम्पेयर टू अदर्स, तो फिर वो ड्रामा या तो नीचे आ जाएगा या निकल जाएगा. इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करें या मैं उसके अगेंस्ट हो गई हूँ या एनीथिंग. सो ये एक चीज़ है, सॉरी, बट कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है, आपको करना पड़ता है. यू नो, मुझे ही देख लें, अगर मेरी वीडियो अच्छी होगी तो आप लोग ही देखेंगे, खत्म बात, राइट. और अच्छी होगी तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल वॉच इट. तो ये चीज़ है. सो आज भी कुछ ड्रामों में ऐसे ही होगा. सो दिल थाम के बैठिए और उन सारे ड्रामों के फैंस, प्लीज अपॉलोजीज इन एडवांस. लेट्स स्टार्ट विद आर ड्रामा नंबर और नंबर 5. नंबर 5 पे है दिल ना उम्मीद तो नहीं. मुझे दिल ना उम्मीद की ना तो नहीं की ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस एक एपिसोड में उन्होंने गर्ल्स, लड़कियां जो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, नसीम जहरा के थ्रू उस चीज को एड्रेस किया, जहेज को एड्रेस किया. उन्होंने सुम्बुल का दिखाया कि कैसे वो किस ट्रांजिशन से गुजर रही है और वो क्या हो रहा है उसका, और जमशेद का थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर होने वाला है तो वो दिखाया, प्लस अल्लाह रखी का जो फ्यूचर है, जो उसकी स्टोरी है वो आगे बढ़ाई. तो जो एपिसोड किया वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी चीज पे मूव कर रही थी और आप कॉन्स्टेंटली इंगेज थे, आप बोर नहीं हो रहे थे. यू लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा. मुझे लिटरली डर लग रहा था कि यार ये अल्लाह रखी को अभी ले जाएगी औरत, और बेचारी के साथ क्या होने वाला है. द बेस्ट वॉज इन द स्वीटेस्ट वॉज जब अल्लाह रखी के दोनों भाई जो होते हैं उस गधे को लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत पसंद है तो हम तुम्हारे लिए इसको लेकर आ गए. इट वॉज सच अ क्यूट मोमेंट, मेरे दिल को इतना अच्छा लगा कि भाई देखो बहनों के लिए क्या क्या करते हैं ना. और सवाल यही है कि अल्लाह रखी ने दो किस्ते पहले जो हमें बोला था, एक किस्त पहले जो बोला था वो जमशेद के बारे में बात करी थी या टोमाटो के बारे में बात करी थी. पहले तो मैं बहुत क्लियर थी बट नाउ आई एम नॉट 100% श्योर. मुझे और आई लाइक इट कि डायरेक्टर राइटर ने ना मिस्ट्री को मेंटेन रखा हुआ है. लाइक वो सवेरा को बताते बताते रुक जाती है, फिर वो अलमारी के पास ले जाते रुक जाती है. सो वी स्टिल डोंट नो कि वो किस चीज़ किसके बारे में बात कर रही है. और बस अगली एपिसोड शायद बहुत स्ट्रांग हो, दिल को कुछ हो रहा है. आई रियली लव द फैक्ट कि उन्होंने लड़कियों के स्पोर्ट्स खेलने वाली पे बात की और मुझे वाकई नसीम जहरा के उस पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. और बच्चे, अच्छा मैं ना, मैं जो बच्चे बेगर्स होते हैं उनको पैसे नहीं देती बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि ये एक पूरा माफिया होता है और आप ये करके और बच्चों के अफवाह को बढ़ा रहे हैं, ठीक है. और ये इतना खूबसूरत दिखा रहे कि देखो कैसे बच्चों को यूज करते हैं और किस तरह धोखा देते हैं कि उसने कुरान पढ़ा रहा है और पुलिस वालों को भी रिश्वत दे रहा है एंड एवरीथिंग एंड इट्स अ बिग माफिया. सो दिल ना उम्मीद तो नहीं डूइंग ग्रेट जॉब एंड इट्स ऑन नंबर 5. नंबर 4 पे है हमारे पास रक्से बिस्मिल. रक्से बिस्मिल ऊपर से नीचे गिर के आया लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग था तो टॉप 5 में है. इसलिए क्योंकि मुझे लगा एपिसोड थोड़ी सी खिंची हुई थी, अदर देन जो शुरू का पार्ट है और एंड का पार्ट है, मुझे वो इतनी एपिसोड में इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि जो शुरू के पार्ट में जो मूसा और जोरा का इंटरेक्शन है और फिर एंड में जो मूसा आता है सकीना को बचाने या सकीना को जब वो लड़के कर रहे होते हैं यू लाइक क्या होगा, क्या सकीना के साथ कुछ हो जाएगा, क्या मूसा उसको बचाने आ जाएगा. आई वाज लिटरली वेटिंग बिकॉज मूसा ने देखा होता है ना जब वो गाड़ी में ड्राइवर रख रहा होता है चीजें, तो लाइक आई होप मूसा आ जाए, और एक्चुअली मूसा आ जाता है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द रीजन रक्से बिस्मिल नीचे गिरा है, ठीक है. लेकिन मजे की थी, पता चल रहा है कि मलिक शरियार की क्या इंटेंशन है. ही क्लियरली इज नॉट इन लव विद हर, वो उसको यूज करना चाह रहे हैं आगे अपने फाइनेंशियल मकासद के लिए और उसके लिए वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है. सो रक्से बिस्मिल इंटरेस्टिंग था लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि स्लो था एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल एपिसोड. बट सवाल ये है कि मूसा को पता कैसे चला, क्या मूसा बचा लेगा, क्या सकीना उसकी शुक्र गुजार होगी, क्या ईसा को पता चलेगा. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो अभी कुछ किस्तों में हमें पता चल जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जोरा
मूसा के इश्क में मुब्तला है लेकिन उसको पता नहीं है। सूरक से बिस्मिल हैज गॉन डाउन। आप एग्री करते हैं या नहीं करते मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपका क्या ख्याल है, मूसा को कैसे पता चला, ये भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। लेट्स हैव सम डिस्कशन इन आवर कमेंट्स। ओके जी, नंबर थ्री पे है फास। फास की सेकेंड एपिसोड है लेकिन मुझे फास इतने मजे का लग रहा है। लाइक इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी एज ऑफ नाउ। रेप विक्टिम से बहुत दफा कहानियां बन चुकी हैं, बहुत ड्रामे बन चुके हैं, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एंड आई लव द साउंड ट्रैक। मुझे साउंड ट्रैक बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपने सुना है तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। एंड आई ऑल्सो फील द कास्टिंग इज ग्रेट। आई थिंक बहुत अरसे बाद ज़ारा नूर अब्बास को वो कैरेक्टर मिला है जिसमें वो बस गई हैं। मुझे लाइक आई कैन एसोसिएट ज़ारा विद ज़ेबा, यू नो। अच्छा, मैं इस चीज़ पे इधर ना एक कंसर्न को एड्रेस करना चाहती हूँ। जब हमने पहली किसके बाद पोस्ट निकाली थी तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि ज़ेबा जो है वो शी इज़ टू सोफिस्टिकेटेड, शी इज़ टू नाइस टू बी अ मेड्स डॉटर। तो मैं उस बात पर ये जवाब देना चाहती हूँ, 20% शायद आपकी बात सही हो, लेकिन जो चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक बहन एजुकेटेड है और एक बहन एजुकेटेड नहीं है। द डिफरेंस ये पढ़ाई लिखाई और एक्सपोजर आपको कितना चेंज कर देता है कि वो तमीज़ से बात करती है, उसमें रख रखाव है, और जिस बच्ची ने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल ही उसमें उसमें थोड़ी रैशनेस है, वो थोड़ा सोचती नहीं है और बोल देती है, ठीक है। तो ये चीज़ फांस में उसका ये मैं जवाब दे रही हूँ। जो फांस है मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो मैं कल ड्रामा कब में बोलना चाहिए था मैं भूल गई। आई डोंट नो, स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है, मज़ा आ रहा है। आपको टॉक्सिक सिस्टर का एंगल लाने की क्या जरूरत है? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। आई रियली 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 विश कि नहीं किया होता है। आपकी बहन का रेप हो गया है, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और आप ये सोच रही हैं कि ओ वाओ, अब इसका जो मंगेतर है जिसपे मेरी नज़र है, अब मैं उसको पकड़ सकती हूँ। ये किस किस्म की कहानी है और क्यों जरूरत है इस चीज़ की हमें? मुझे वाकई राइटर की समझ नहीं आ रही है। आप एक अच्छी बड़ी कहानी को ऐसा कहानी लेके क्यों नहीं जा सकते? हमें नहीं चाहिए नेगेटिव सिस्टर्स, हमें टॉक्सिक सिस्टर्स नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर ये, मुझे या तो लगता है फिर राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, सॉरी बट मेरा पेशेंस तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब आई वॉज शॉक्ड, आई कुड टेक इट के इनिशियल जो दोनों बहनों में चल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी एनिमोसिटी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतनी चीज़ें, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पे जाना कि आपकी बहन की बुरी हालत और आप ये सोच रहे हम क्यों दिखा रहे हैं अपने ड्रामों में, इसकी ज़रूरत क्या है? आई एम सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हुई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा दिल को दुखा हुआ है, क्योंकि ज़रूरत क्या है? मतलब मेरा दिल चाह रहा है वो नहीं, बच्ची वो एक जिफ होता है जिसमें एक छोटा बच्चा ना जमीन पर जोर जोर से अपनी हाथ मार रहा होता है, सर भी मार रहा होता है, बोलता है वाई 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 आई डोंट वॉन्ट दिस, मेरा दिल चाह रहा है मैं बिल्कुल इस वक्त ये कर रही हूँ, यू नो। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ फांस में वो है मेकअप की कंटिन्यूटी, जो मैंने ड्रामा कप में भी बोली थी। आई रियली विश के ज़ारा नूर की मेकअप वाइज, लुक वाइज, जो उनका रेप के वक्त था और जो बाद में हॉस्पिटल के वक्त था, उसको एक कंटिन्यूशन में लेके जाते, उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते। एक पॉइंट और था, हाँ या सो ओवर आई थिंक दैट्स ऑल, मैं भूल गई जो पॉइंट था। सो फांस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए नंबर थ्री पे है सेकेंड एपिसोड भी, कि उन्होंने क्यूरोसिटी बिल्ड की हुई है, उन्होंने मैं पकड़ के रखा है क्या हुआ, क्या था और कौन था, क्या वो समझ था, सिराज था या साहिल था, और उसका जो मंगेतर है वो क्या कर रहा था। लाइक इट इज़ सो फुल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। और समझ कहाँ खोया हुआ है, उसकी पॉकेट ज़ेबा के हाथ में क्यों थी? तो एक एपिसोड जो आपको मुसलसल पकड़ के रखे और आपको इधर से, मतलब मैं कहीं भी टीवी से इधर उधर नहीं हो पाई थी, मुझे लगा था मैं कोई डायलॉग मिस ना कर दूँ, मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ, ताकि मुझे अगर मैंने किया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वो जो सीन है जो शुरू में दिखा रहे हैं जिसमें वो दो बंदे भाग रहे, मैंने उसको दो दफ़ा जाके देखा टू फिगर आउट कि ये कौन है और क्या वो बोल रहा है, यू नो। सो आई रियली लाइक दैट। जो चीज़ एक और, हाँ मुझे मेरा पॉइंट याद आ गया, मुझे समझ नहीं आई जब वो लड़की को, आप ज़ेबा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर ये क्यों पूछती है कि क्या ये शादीशुदा है, इनकी हालत से तो लग रहा है। आई एम सॉरी, अगर कोई लड़की आपके पास पिटी हुई आती है तो क्या आप हॉस्पिटल में डॉक्टर ये पूछता है कि ये शादीशुदा है, ये किस, आई मीन सो आई डोंट रियली नो व्हाट टू से। देयर वाज सच ग्रेट पार्ट्स एंड देन देयर वर टू थ्री पार्ट्स व्हिच रियली अमेज्ड मी कि ये क्यों है। मुझे आई रियली लाइक द एंगल जो बाद में दिखाया कि पुलिस फोन करती है और वो डॉक्टर बिल्कुल चेंज हो जाती है और कहती है नहीं इसको तो कुछ नहीं हुआ, इसको तो हिस्टेरिया के इफेक्ट्स पड़े। लेकिन उससे पहले जब तक पुलिस से फोन नहीं आया होता तो डॉक्टर उससे पूछती है कि शादीशुदा है, इनकी हालत से तो ऐसा लग रहा है, ये क्या सवाल था, डॉक्टर ने क्यों पूछा था ये। आई डोंट नो, एम आई ओवर रिएक्टिंग? आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइए, क्या मैं राबिया जज्बाती हो गई है, क्या राबिया के सारे कॉमेंट्स सही हैं या नहीं है? आई नीड योर आंसर्स इन द कॉमेंट्स। ओके जी, इससे पहले हम नंबर टू और नंबर वन पे जाएं, और मैं बोल बोल के थकी, मुझे गले में आप मुझे चाहिए कि मुझे
पानी चाहिए मेरे गले में खुशबू है। बाय द वे लुक एट माय इयररिंग्स एंड माय ड्रेस, आज ही मैंने सलवार कमीज पहना है और मैंने एक नेकलेस पहना है जिसकी स्टोरी मैं इंस्टाग्राम पे करने वाली हूँ, वीडियो में जाके चेकआउट कीजिए, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नेकलेसेस नाउ जो आप मुझे बहुत दफा पहने हुए देखेंगे। तो लॉन वापस आ गई है और बड़ी सी थ्रू है, आई विश कि नहीं हो आजकल मेरा ये कुछ हफ्ते तक था ये रोना हर जगह होगा, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी, मेरी पोस्ट पे भी और मेरी बातों में भी, कि हम लॉन को सी थ्रू क्यों बनाते हैं, फिर लॉन पहनने का मकसद क्या है। यस, ड्रामा कब से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर गई हूँ बट मुझे लगा कि थोड़ी सी ब्रेक हो जाती। वी विल कम टू डायरेक्टर ऑफ द वीक। डायरेक्टर ऑफ द वीक है बदर महमूद फॉर डंक। I like the way he's playing with the direction and the camera and the suspense and the dialogues. I don't know, मैंने पिछले ड्रामा कब में ये बात बोली थी या मैंने कहीं एक बात जगह ये बात बोली है और शायद मैं रिपीट कर रही हूँ। I like the way कि डंक में कोई भी कैरेक्टर जो है वो ओवर इमोशंस को नहीं दिखा रहा है, वो कहीं भी चीख नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला भी नहीं रहे हैं। दोनों बाप भी हैं, अगर आप शहूद अलवी और आप सैफी हसन को भी लें, बड़े ठहराव के साथ वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कहीं कहीं जगह चीख रहे हैं, बट इट्स अ बैलेंस, इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने दीवारें तोड़ दी, ग्लास तोड़ दिए, थप्पड़ मार दिए, नहीं। आई लाइक इट बिकॉज इट्स अ चेंज और यूजुअली होता भी ऐसा ही, अगर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा है तो उठा के शायद मैं एक डायरी नीचे पहन दूँ, मैं मुसलसल चीखती चिल्लाती हूँ जाके अपनी दीवार पर अपना सर नहीं मारूंगी, मैं गुस्से में वहीं बैठ के रो रही होंगी जैसे सैफी हसन करते हैं या शहूद अलवी ने किया था एज हैदर्स फादर। सो आई लाइक इट अगेन हैदर का कंट्रोल्ड गुस्सा, लाइक हैदर और अमल की जो कन्फ्रंटेशन थी इट वॉज सीडिंग यू नो। सो आई लाइक कि डायरेक्शन में उन्होंने बड़े कंट्रोल्ड लेकिन बड़े पॉइंटेड तरीके से उनको इमोशंस के साथ खेला है। दूसरा उन्होंने किया कैमरा एंगल एंड टाइमिंग, उन्होंने वहां से ड्रामेटाइजेशन उठा के यहां ले आए। दे हैव नॉट टेकन स्टार प्लस, लेकिन उसका हल्का सा टच इन द सेंस आता है कि अब कैरेक्टर्स पे कैमरा रुकता है एक मिनट कुछ सेकंड के लिए बिफोर दे गिव यू द पंच लाइन। सो आई लाइक दिस, आई एम लाइकिंग इट्स नॉट टू मच कि उन्होंने जैसे स्टार प्लस में होता है कि वो ये क्या ये नहीं हो रहा है, लेकिन अमल पे ड्रामा अमल पे कैमरा रुकेगा फॉर 3 सेकंड एंड यू वेटिंग कि क्या कहेगी, उसी में कट हुआ और आप दूसरे पे चले गए। सो आई लाइक द वे द स्टोरी हैज बीन टोल्ड एंड उन्होंने किसी भी एपिसोड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई मेजर चीज पता नहीं चली हो, तो इस वजह से हर एपिसोड देखना इंपॉर्टेंट हो गई है। इस वाली एपिसोड में तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई थी, तो आई लाइक द वे द स्टोरी हैज बीन टोल्ड एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू बदर महमूद फॉर डायरेक्टिंग इट ब्यूटिफुली कि हम हर एपिसोड के बाद बोलते हैं कि यार क्या हुआ। एंड आई लाइक द बैलेंस, कहीं भी देखो शुरू में प्रोफेसर की फैमिली पे बड़ा था, अब वो अमल और हैदर की जिंदगी में आ गया और कहीं कहीं प्रोफेसर की फैमिली का दिखा रहे हैं बिफोर दे गो बैक टू इट, आई होप दे गो बैक टू इट। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक इज बदर महमूद। वी विल कम टू नंबर टू इज डंक। हाँ, अभी मैंने डायरेक्टर ऑफ द वीक की बात की कि मैं डन। सो आई लव द पेस ऑफ डंक एंड आई लाइक इट कि वो फास्ट मूविंग है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दो एपिसोड होती हैं जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, तो कहीं भी आप बोर नहीं हो रहे हैं और हर कैरेक्टर के बारे में आपको एक नई चीज़ पता चल रही होती है, हर कैरेक्टर के बारे में कुछ नया रुख सामने आ रहा होता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट प्ले हो रहा होता है। तो आई एम लाइकिंग डंक द वे उसकी कहानी बताई जा रही है और जिस तरीके से वो सस्पेंस और मिस्ट्री को साथ लेके डेवलपमेंट को चल रहे हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता कि अमल, पहले ये नहीं पता था कि अमल को पता है कि हैदर को पता नहीं पता, हैदर को पता ही नहीं पता, हैदर ने अमल को बताया ही नहीं बताया, वो बताएगा या नहीं बताएगा, इतने मजे की मैंने डॉ कर दिया। और ये कि अब ये बात कि अमल क्या सफ़ीर से शादी हैदर से बदला लेने के लिए कर रही है या उसमें चेंज आ गया है और वो हैदर को उसके घर वापस लाने के लिए, माफ़ी दिलवाने के लिए ये चीज़ कर रही है अपनी शर्त मनवा के, यू नो। सो द ड्रामा कीप्स यू एंगेज्ड, द ड्रामा एंटरटेन्स यू, दैट्स व्हाई इट्स ऑन नंबर टू। अब आएंगे हम एक्टर ऑफ द वीक। एक्टर ऑफ द वीक फॉर मी गोज टू सारा खान फॉर ज़ोरा। वो जो शुरू का पार्ट है जहाँ पे मूसा और ज़ोरा के दरमियान में कॉन्वर्सेशन होती है, आई मीन सारा खान वॉज अमेजिंग। सारा खान वॉज टॉकिंग विद हर आईज। ज़ोरा की जो ट्रांजिशन हो रही है मूसा के बारे में, ज़ोरा के जो दिल का जज्बा है मूसा के लिए, नरम घोषा और मूसा के ऊपर तर्स थोड़ा सा, और मूसा से दूर रहने की जो वो एफर्ट कर रही है, वो सब सारा खान की आंखों के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। एंड आई लव्ड इट, इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए जब वो बात कर रही है कि यू फील फॉर ज़ोरा।
आपको जोरा पे कंफ्यूजन नहीं हो रही, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगा एटलीस्ट टू मी आई फेल कि जोरा बहुत पेन में इस वक्त जब वो मूसा से आके ये बात कर रही है, वो मूसा को डांट नहीं रही होती, वो लिटरली मिन्नत कर रही होती है मूसा की, एंड आई लाइक इट कि वो उसका पूरा बाकी पूरी चीज़ तो उन्होंने उसको अबाये से ब्लैक उसमें ढांपी ली है, सो इट्स ओनली हर फेस एंड हर डायलॉग डिलीवरी दैट्स प्लेइंग द पार्ट. और सारा खान विंस यू, सारा खान लीव्स नो स्पेस कि आप थोड़ा सा भी डाउट कर सकें कि जोरा इस वक्त दर्द में नहीं है. कहीं भी जोरा ने गुस्सा नहीं दिखाया, जोरा फ्रस्ट्रेटेड नहीं थी, यू नो देयर वाज अ वेरी जोरा एहसान नहीं जमा रही थी, जिता रही थी. जोरा ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा जो तुम्हारी माँ है उसने मुझे आके ये बोला है, यू नो. सो आई लाइक इट जिस तरीके से सारा खान ने जोरा के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने चेहरे से, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से और अपनी आंखों से दिया. दैट्स वाई द एक्टर ऑफ द वीक गोज टू सारा खान. फिर है हमारे पास नंबर वन. नंबर वन पे कौन है? इससे पहले आप मुझे जवाब दें, आप जाके नीचे कॉमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए. जब तक आप लिख रहे हैं मैं आपको दो सेकेंड दे रही हूँ. नया ड्रामा शुरू हो रहा है जिसमें है अली रहमान और मरिया, मरिया इमाम. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि बड़े अरसे बाद ये दोनों वापस स्क्रीन्स पे आ रहे हैं तो मज़ा आएगा. एंड मरिया, आई लाइक मरियाज प्रोजेक्ट्स मोस्टली, एंड स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है. इतनी मुझे क्लियर नहीं है, अभी मैंने एक दो टीजर्स देखे हैं. सो एक वो आ रहा है. एक और ड्रामा जिसके बारे में बात करना चाहूँगी है ख्वाब नगर की शहजादी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसमें है मिकाल, अनमोल बलोच और मर्शल खान. मुझे उसकी स्टोरी ना लग रही है सलीना पीरजादा का एक बहुत पहले ड्रामा आया था कल, कम्प्लीटली मुझे वो स्टोरी लग रही है जिसमें उसमें आई थिंक शबीर जानते हैं. आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखा, अगर वो यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लीज़ गो वॉच इट. इट इज़ एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल ड्रामा. और उसमें स्टोरी भी ये होती है कि एक कपल है और सलीना पीरजादा और शबीर जाने, और सलीना पीरजादा भी एक लड़की को लेकर आती हैं जो उनकी कोई दूर की रिश्तेदार जाने होती है, बिकॉज उसके बाप के पास कोई मसला होता है. उस यंग लड़की को अपने घर लेकर आती है, जगह देती है, और फिर उस यंग लड़की और उनके हस्बैंड के दरमियान कुछ शुरू हो जाता है. आई डोंट वांट टू गिव द स्पॉइलर फॉर द ड्रामा वॉचर्स जो अभी इस ड्रामे को देख रहे हैं, लेकिन मुझे कहानी बहुत सिमिलर लगी कर्ब से ख्वाब नगर की शहजादी की. कर्ब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज. आई डू विश, और वो बहुत ही खूबसूरत पोइटिक ड्रामा है वो, यू नो. सो आई रियली विश कि इसकी ट्रीटमेंट ख्वाब नगर की शहजादी में सही हो, क्योंकि है तो सोप टाइप तो बिल्कुल ही उसका रगड़ा ना लग जाए. अगर आपने देखा और अगर आपको स्टोरी जैसी लगी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. जी तो आपने लिख दिया कमेंट्स में, यानी लिखा भी था कि नंबर वन पे कौन सा है, और अब लेट्स सी आपका गेस सही हुआ था. नंबर वन पे हमारे पास है खुदा और मोहब्बत. यस, सीजन 3 की एपिसोड नंबर आई डोंट रिमेम्बर कौन सी है, 5th है या 4th है. आई हैड सो मच फन वॉचिंग इट, मुझे इतना मजा आया, मैं हंस रही थी, मैं बैठी हुई थी, एंड यू नो फॉर अ चेंज हम रो नहीं रहे थे. By virtue of simply by virtue of this, खुदा मोहब्बत की वाली एपिसोड हमारी नंबर वन पे है. बहुत ही फन किस्म की थी ना, वो दोनों वो प्लानिंग कर रही है, वो अपनी दोस्त को चुपके से लेके जाती है और ऊपर उसकी भाभी जो है वो उसको कवर अप कर रही है. फरहाद जो है वो उनको लेके जाता है एंड ही इज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ माही एंड हर फ्रेंड. तो वो सब चीज़ें जो लड़के लड़कियां जवानी में करते हैं, अम्मा अब्बा को थोड़ा सा इधर उधर चकमा लेके निकल गए. लड़कियां बहुत दफ़ा यू नो ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती है शादी पे, लेकिन निकल जाती हैं झूठ बोल के, माइयों पे बोलते हैं बैठो. आई डोंट नो कि अब होता है या होता, बट पहले होता था. सो आई लाइक्ड इट, इट वॉज फन, इट वॉज लाइट हार्टेड. हमें फरहाद की आशिकी देख के मजा आ रहा था, वो सीन जिसमें उसे कोक गिर जाती है, फिर वो गाड़ी में पीछे उस पर देख रहा है उसकी हल्की सी स्माइल, और फिर वो चुपके चुपके जब ऊपर जा रही है, लाइक टोटली ना इट वॉज अ, मुझे लगा वो यंग लोगों की एपिसोड थी. मज़ा आ रहा था, रिफ्रेशिंग थी, रोमांस का भी एक डिफरेंट एंगल दिखाया था, यू नो. फिर वो शादी पर उसको देख रहा है, प्यारी लग रही है, पान वाली वो लेकर आया, बस मुझे ये था इसको पान खुद ना खिला दे, शुगर है वो नहीं खिलाया. सो आई लाइक इट, अक्रा इज लुकिंग ब्यूटिफुल विद लॉन्ग हेयर एंड आई लव हर. वो एक उन्होंने गरारा पहना हुआ था छोटी शर्ट के साथ मॉडर्न टाइप का, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, उसमें बहुत अच्छी लग रही थी. बाकी सब भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. अभी तो फरहाद और माही की कहानी पता चल रही है. सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आप मेरी रेटिंग से एग्री करते हैं या नहीं करते. इस बार पहली सी मोहब्बत और दूसरा कौन सा था, रकीब से. यस, ये दो जो हैं हमारे निकले टॉप 5 से, क्योंकि मुझे उनकी एपिसोड्स एज कम्पेयर टू अदर ड्रामास थोड़ी सी स्लो लगी थी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रामे अच्छे नहीं थे. याद रखिए
बहुत दफा जो मैं रिपीट करती हूँ, कई दफा कुछ ड्रामे निकल जाते हैं या नीचे आ जाते हैं क्योंकि दूसरे ड्रामे उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उस एपिसोड में उस वीक. दे बोथ आई लव दी ड्रामाज, आई एम वॉचिंग देम एंड रियली रियली इंजॉइंग देम, मुझे बहुत मजा आ रहा है. लेकिन सैडली टॉप फाइव से, बिकॉज बाकी पांच ड्रामे ज्यादा स्ट्रांग है मुझे. एंड मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ दे दी है, आप लोग मुझे बताएं आप एग्री करते हैं नहीं करते. सो गाइज टेक केयर, हैव फन एंड आई विल सी यू सून. एंड गर्मी में अपना ख्याल रखिए, कोरोना से दूर रहिए, SOPs फॉलो करना मत भूलिए. इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट. अल्लाह हाफिज़.